नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। चुनाव का समय बहुत ही नजदीक आ गया है, इसीलिए हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में ये जानने कि कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या किया विधायक ने 5 साल, क्या आए आपके बीच, किया आपके क्षेत्र का विकास या हो गए हैं फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट। मादीपुर विधानसभा चुनाव आते हैं, वोट भी करते हो? हाँ करते हैं भैया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे सर, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? आप तो सही होना चाहिए, केजरीवाल ही को ही होना चाहिए वैसे तो। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल यार इतना सख्त, उसको है ना इतना रोका जा रहा है, फिर भी बंदा रुक नहीं रहा है, वो हाथ पैर कहीं ना कहीं मार ही रहा है, समझ गया। इतनी बिजली पानी भी बहुत फ्री कराए हैं भाई, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। विधायक, एक मिनट सर बात कर रहे हैं। हाँ जी, विधायक कौन है यहाँ का? यहाँ के विधायक वो गिरीश सोनी जी। उन्होंने कितना कुछ काम करवाया? गिरीश सोनी जी ने भी बहुत काम कराया है, बहुत काम कराया, अब भी करा रहे हैं। कल परसों भी आए हुए थे, वहाँ पे गए हुए थे हम, वहाँ पे उद्घाटन हुआ था कल की बात है। हाँ, संतुष्ट हो सरकार से? हाँ बहुत। 10 में से कितने नंबर देंगे सर विधायक जी को? 8 तो जाते ही हैं, 10 में से 10 ही हैं वैसे तो। क्या नाम आपका? राकेश सर। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, पीछे। चुनाव आते हैं वोट करते होगे? हाँ जी, क्यों नहीं है सर। दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? दिल्ली मुझे मैं जाता हूँ, सबसे पहले ना केजरीवाल को वोट जाता है। केजरीवाल क्यों? सबसे पहले ये है कि उन्होंने जो अभी जो जितने काम किए स्कूलों में, स्कूल बढ़िया बनवा दिए उन्होंने। हमें ये अच्छा लगा मुझे कि स्कूलों को जितने वो थे फैसिलिटी अच्छी दी है, ठीक है। बिजली पानी मुफ्त दिए, उसका लाभ मिला है? उसका लाभ मिला है मुझे, लेकिन बट जो अभी जो बिजली का वो है ना, उसमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है मुझे, पर ये पानी में लाभ मिला है मुझे। समझे, और बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, समझे। उसमें जो डेस्क दिए हैं, जो बिल्डिंग बनवा दी है, उससे मैं बेहतर फेमस हूँ। मैं तो संतुष्ट हो सरकार से? बिल्कुल 100%। आपके इलाके के विधायक कौन है? गिरीश सोनी। उन्होंने क्या कुछ करवाया सर, कुछ काम करवाए इलाके में? वो सर इस इलाके में बहुत काम करवाया है। आते जाते हैं कभी इलाके में? आते हैं, क्यों बात, क्या बात करो, नहीं आता है? आते जाते रहते? हाँ हाँ, आते जाते रहते हो, वो देखभाली करते रहते हो, इस वजह से हमें ये उससे बेटर कोई नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे विधायक को? 99 मतलब 9 नंबर। हाँ 100 में से 90 नंबर देंगे हम तो। चलो सर, है ना। मेरा नाम रौनक है। कहाँ रहते हो? रजौरी गार्डन क्षेत्र में, जहाँ पर आप खड़े हो इस टाइम। चुनाव आते हैं वोट करते होगे? जरूर करते हैं भैया। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए दिल्ली का? अरविंद केजरीवाल जैसा होना चाहिए जी। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल बहुत हमारे यहाँ पर जितना भी सुधार करा है, केंद्र भी केजरीवाल नहीं करा है हमारे यहाँ से। एक तो काम गिनवा देंगे मुझे केजरीवाल जी। ये पार्क देख सकते हो आप, किसी टाइम पे भी कुछ नहीं था इस पार्क के अंदर, पटरी भी नहीं थी, ये बस मट्टी मट्टी थी इस पार्क के अंदर, और कुछ भी नहीं था। सब कुछ केजरीवाल जी ने करवाया हमारे यहाँ पर। गिरीश सोनी जीते हुए हैं, जो यहाँ से हमारे यहाँ से हमारे आगे विधायक गिरीश सोनी है, और उन्होंने ही सारा कुछ करवाया अपने यहाँ पर। संतुष्ट हो सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है जी। कितने नंबर देंगे विधायक? 10 में 10 है जी विधायक को, बिल्कुल। हमारे आगे रोड राड सारे ठीक करवा दिए, पाइप लाइन डलवाई है, अब जीनों का काम हो रहा है, कैमरों का काम चालू हो गया, सब कुछ बढ़िया है। बिल्डिंग संतुष्ट हो मतलब? बिल्कुल संतुष्ट है जी। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी भैया, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अनु। कहाँ रहते हो? इसी एरिया में, रजौरी गार्डन। चुनाव आते हैं वोट करते होंगे? जी सर बिल्कुल करते हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा होना चाहिए सर। केजरीवाल क्यों होना चाहिए? सर देखो, अगर किसी की भी सरकार होती, खैर झुग्गियाँ टूट जाती है, वरना झुग्गियों में जाके देखो आप, झुग्गियों को झुग्गी नहीं बोल सकते कि पक्का काम करा रखा है। और जो बाकी जो क्वार्टर हैं, जो यहाँ पे आस पास में जो अपने हैं, उनमें टाइलें वगैरह लगवाएंगे बाकी, और पानी का भी अच्छा प्रबंध कर दिया केजरीवाल जी ने, आज तक किसी ने करा नहीं दिया जो पानी फ्री दे दे। बिजली का भी बिल कम करा दिया, बकाया इसके क्या भाई, केजरीवाल अगर सेंटर में आ जाए, अगर सेंटर में आए तो चमत्कार बहुत खतरनाक दिखा सकते हैं। मतलब आने का ये होगा उनका मुख्य कारण, क्या भाई जिस तरीके से MCD किसी कठिनाई में पड़ी है ना, उन विपताओं को वो पूरा साफ कर देंगे। संतुष्ट हो सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है सरकार। आपके इलाके के विधायक कौन है? गिरीश सोनी सर। उन्होंने कितना कुछ काम कराया इलाके में? यार गिरीश सोनी ने देखो, पार्क पूरा बंजर था, सब कुछ अच्छा अच्छा काम कराया है, गलियों में रिपेयरिंग कराई है, अब यह निर्माण है जो अब अपने घरों का निर्माण भी करा स्टार्ट करा रखा, बैनर सब कुछ विज्ञापन में। आते जाते रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, राउंड मारते रहते हैं सर गिरीश सोनी जी। कितने नंबर देंगे 10 में से गिरीश सोनी जी को? 10 है सर जी, बिल्कुल। हाँ जी। और सरकार को? केजरीवाल को ही देंगे बाकी हम टॉप 10। मोदी जी ने बड़ा तंग मौके। क्या नाम भैया आपका? मेरा राम राजीव। कहाँ रहते हो? रजौरी गार्डन। चुनाव आता है वोट करते होगे? जी सर।
दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए दिल्ली का? तो केजरीवाल ही होना चाहिए। बहुत केजरीवाल क्यों होना चाहिए? मतलब बहुत अच्छे काम है अभी जो भी कर रहा है, बिजली की सस्ती करी है, यूनिट बहुत कम हो गई है उसकी, और बाकी जो भी है मतलब कि पानी का बिल फ्री है और साफ सफाई हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छा है केजरीवाल। संतुष्ट हो सरकार के पाँच साल? बहुत खुश है उससे, अगली बार भी वही आने चाहिए। आपके इलाके के विधायक कौन है? याद नहीं आ रहा, गिरीश सोनी, सॉरी याद। उन्होंने कितना कुछ काम करवाया यहाँ? काफ़ी काम करवाया उन्होंने, पार्क वगैरह बनवाया, काफ़ी साफ सफाई, झूले वगैरह करवाया उन्होंने। आते हैं कभी इलाके में? हाँ आते, देखने के लिए आते रहते हैं। बहुत अच्छे हैं एमएलए। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में 10 देने चाहिए उनको, जिस हिसाब से उनका काम है। बहुत खुश है पब्लिक। चलो सर, थैंक यू। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आते हैं सर, वोट करते होंगे? बिल्कुल करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? धर्मदास। कहाँ रहते हो? मैं यहीं डबल स्टोरी में रहता हूँ। चुनाव आते हैं वोट करते होंगे? बिल्कुल करता हूँ। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए दिल्ली का? देखिए मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जैसा ही होना चाहिए। केजरीवाल क्यों? क्योंकि काम अच्छे कर रहा है ना। क्या कुछ काम करवाए अच्छे सर, एक दो गिनवा दो। बिजली पानी आदमी मिली है? बिजली पानी की, बिजली पानी की सुविधाएं मिल रही है। आदमी मार कहाँ से खा रहा था? बिजली पानी से मार खा रहा था, क्योंकि बिल आ रहे थे कई कई हज़ार रुपये। इतना कमाता नहीं है बंदा, इतना बिल आ जाता था। दो नंबर के काम कर रहे थे ये तो पार्टी वाले। और यहाँ के जो निगम पार्षद है सुषमा चोपड़ा, उसने तो गंदगी फैला रखी है। यहाँ पे जाके देखो कहीं भी, हर कूड़ेदानों पे गंद फैला, बीमारी फैल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं दिल्ली में, यहीं टैगोर गार्डन में रहता हूँ। चुनाव आते हैं वोट भी करते होंगे? चुनाव आते हैं वोट भी करते? बिल्कुल करते हैं जी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बिल्कुल केजरीवाल है सर। केजरीवाल क्यों? बिल्कुल केजरीवाल है, जितने अच्छे काम किए किसी ने किए ही नहीं आज तक। क्या कुछ काम कर देंगे? एक दो काम जो भी कर रहा है आज भी कर रहा है, जो बाकी तो सारे चोरी हैं इकट्ठे हो गए सारे, कोई भी ढंग का ना। बिजली पानी जो मुफ्त की उसकी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर रहा है ना। यहाँ तो करने वाला ही कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ लूटने वाले ज़्यादा हैं, सारे लूटेरे इकट्ठे हो रहे सब टोटल। कानन तिवारी। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, नई दिल्ली। चुनाव आते हैं वोट करते होंगे? बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए दिल्ली का? सर होना चाहिए जो जनता के प्रॉब्लम्स को समझे और बेसिक मुद्दों पर ध्यान दे। ये नहीं कि मतलब चुनाव आ रहे हैं तो अच्छा काम करने लगे या कि दिखावे में। आजकल देख रहे हैं आप कि राष्ट्रवाद के नाते लोग काफ़ी कुछ मतलब प्रचार कर रहे हैं इंटरनल। हाँ जी। तो केजरीवाल जी पिछले 5 साल वादे लेके आए थे, उन पर खरे उतर पाए या फेल हो गए? सर उनका दिखता है, मतलब वो काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है ना उनका, वो नज़र आता है करने के तरीके से, पता चलता है कि वो कर रहे हैं। मतलब संतुष्ट हो सरकार से पिछले 5 साल? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, लग रहा है। केजरीवाल जी ने क्या कुछ काम करवाए सर यहाँ पे? कुछ सर देखे हैं मैंने कि सर पीछे नॉर्मल एरियाज हैं, जो पिछड़े एरिया हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन एरियाज पे वो ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैं, मेरे कुछ रहने वाले हैं जानने वाले, वो रहते हैं कुछ साइड नांगलोई साइड के जगहों पे, उन्होंने डेवलपमेंट काम करवाए हैं, जैसे कि पानी आना हो गया, मीठा पानी वगैरह हो गया है ना, जो नॉर्मल पानी आता है वो सब काम हुए हैं। नालियों के जो सीवर लाइन्स हैं खुदने शुरू हुए हैं, आपने पता होगा आपको लेटेस्ट में ही उन्होंने भाई, मतलब फेसबुक के थ्रू भी बताते हैं वो चीज़ों का, तो काम हो रहा है। तो विधायक कौन है आपके इलाके के? हमारे इलाके के विधायक हैं, सॉरी गिरीश सोनी शायद। उन्होंने काम कुम करवाया सर इलाके में कुछ? शायद वो मुझे पता नहीं हो किस पार्टी से है, मुझे इतना पता नहीं है, लेटेस्ट में चेंज किया। आम आदमी पार्टी से है। ओके ओके, तो सर काम हो रहा है, वही तो तभी तो बता रहा हूँ मैं, वहाँ जा गया हूँ मैं। कितने नंबर देंगे सरकार को 10 में से? 10 में से सर रेटिंग मैं कौन होता हूँ देने लायक, पर जनता हूँ सर। सर 8 देना चाहूँगा। 8 देना चाहूँगा। सर क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ सर कि अगर ये काम थोड़े और पहले स्टार्ट हुए होते ना सर, लास्ट 1-2 सालों में हुए हैं काम, अगर उससे पहले होते तो और अच्छा रहता जनता पर। मतलब बहुत हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर, हुए हैं काम। तो सर धन्यवाद, थैंक यू। पूछता हूँ मैं, उसका जवाब देना। हाँ। क्या नाम आपका आंटी जी? शांति। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात के। वोट यहीं पे करते हो? हाँ। अच्छा। तो 70 साल से इधर है दिल्ली में। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री की है, बिजली पानी की सुविधा है। हाँ। सफल रही है वो? ठीक है, वो आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, वो आ जाए तो अच्छा है। हाँ। तो आपके विधायक ने काम करवाए? हाँ। अच्छा, तो संतुष्ट हो सरकार? संतोष ऐसे है ना बेटा कि उससे थोड़ा फर्क पड़ता था, बत्ती का भी पानी का भी सुविधा थी, अब पता नहीं वही आ जाए ना तो बहुत अच्छा। केजरीवाल। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं रघुवीर नगर में रहता हूँ। तो चुनाव आता है तो वोट करते होंगे?
तो अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपके नजर से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ऐसे तो केजरीवाल होना चाहिए, क्योंकि जितनी सुविधा दिल्ली में केजरीवाल ने करी आज तक तो किसी सरकार ने नहीं की। क्या नाम भैया आपका? विहा भाई। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात के। चुनाव आता है तो वोट करते हो? वोट यहीं का है? वोट यहीं का है। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपके नज़रिए से मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? वो तो देखो, चुनाव जब आएगा तभी पता चलेगा ना कहाँ पे कौन सी पार्टी जा रही है। केजरीवाल जी ने पिछले 5 साल में महिलाओं के लिए जो बस सुविधा फ्री की है, बिजली पानी, वो सही करा है। कितनी सफल, कितना फायदा है? बहुत ही फायदा है। सुविधाएं, बिजली पानी की सारी कर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही फायदा है। तो आगे चुनाव आ रहे हैं, उनका क्या लग रहा है? तो मैंने बताया ना क्या क्या पोजीशन है, फिर वो जाके जब वो चुनाव लड़ेंगे कौन सी पार्टी सामने आ रही कौन सी, तब जाके पता चल देगा ना। पिछले 5 साल के काम में केजरीवाल जी को कितने नंबर देंगे आप? बहुत ही 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से करीब करीब आएंगे उनके 6-7 तो पहुँचेंगे। 6-7 नंबर पहुँचेंगे। हाँ सर, धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? करण। करण, करण भैया चुनाव आता है तो वोट करते हो? करते हैं। तो अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट करोगे? तो भैया आप अभी कहाँ बताएंगे, हम जब आए टाइम आएगा तभी बताएंगे हम। तो केजरीवाल जी पिछले 5 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। काम तो बहुत बढ़िया किया है। काम क्या? काम बहुत बढ़िया किया है। जब बिजली पानी की सुविधाएं की, उनसे फायदा? बिजली पानी से हाँ हुआ। तो उन कितने नंबर देंगे उनको? मतलब हम देंगे 6-7 नंबर तो देंगे। बाकी 3 कहाँ पे कटेंगे? 3 का कुछ पता नहीं है, बाकी उनको हमें दिख रहा है काम अच्छी, स्कूल बनी है, मतलब पानी की सुविधा हुई है और बिजली के अंदर भी मतलब माफ हुए हैं। बहुत बढ़िया काम किया है। काम तो मतलब हमारा फेरी का ही है। क्या नाम है सर आपका? बलदेव। बलदेव जी कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो गुजरात के हैं। वोट यहीं का है? वोट यहीं का है। तो चुनाव आते तो वोट करते होंगे? हाँ वोट तो करते हैं। तो सर दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? केजरीवाल जैसा होना चाहिए। काम करवाए हैं केजरीवाल जी ने पिछले 5 सालों में? हाँ काम किया, अच्छा काम किया है। क्या कुछ काम किया सर, एकदम मुझे काम? तो वैसे सरकारी अस्पताल, वैसे ये जो ये रंग का काम हो रहा है इधर झुग्गियों का, पार्क सुविधा अच्छी है, सब अच्छा है।